काफी टाइम हो गया हमने ओवर वॉलेट के ऊपर बात नहीं की। ओवर वॉलेट की विड्रो को लेकर एक न्यू अपडेट आ चुकी है, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक लाजमी कर देना, क्योंकि इस वीडियो के लिए आप में से काफी सारे बंदों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि ओवर वॉलेट के ऊपर कोई अपडेट दो। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोग इसकी रिसेंटली जो न्यू अपडेट आई है उनको चेकआउट करने वाले हैं। तो सिंपल है, आप लोग भी वीडियो के साथ एंड तक बने रहना अगर आप लोगों ने ओवर वॉलेट से पेमेंट अपनी लेनी है। तो सिंपल है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले तो अगर आप में से जो बंदे हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको और भी हमारी वीडियोस मिलती रहे। और गाइस, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी न्यूज आता है या जो भी अपडेट आता है, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली बेस पे देते रहता हूं। तो चलिए आप बात करते हैं ओवर वॉलेट की। ओवर वॉलेट की जो रिसेंटली अपडेट है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो मेरी ऑडियंस है जिन्होंने मुझे ज्वाइन करके रखा है उनको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पे बता रखा है। तो सिंपल, आपने भी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आना है और यहां पे ऊपर सर्च में आके यहां पे आपने करना क्या है, ओवर वॉलेट लिख के जो है आप लोग ने यहां पे सर्च कर लेना। तो यहां पे आप लोग को जो अपडेट मैंने दिया वो पता लग जाएगा। तो सिंपल, मैंने सर्च कर दिया, ये अपडेट आ चुकी है आपके सामने। पहली तो है इनके जो है मेनेट को लेकर, ठीक है। मेनेट जो है 2024 इसी अगले मंथ के अंदर आने वाला है, जून के अंदर। और ये मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस के अंदर बताया था कि एक प्रेडिक्शन था कि जून के अंदर यहाँ पे क्वार्टर टू के अंदर इनका जो मेनेट था वो आ जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो के अंदर बताया था। तो यहाँ पे 2024 का जो अगला मंथ, एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कौन सी डेट को हो जाएगा, पहले 15 दिन के अंदर होता है जून के या लास्ट वाले 15 दिन के अंदर होता है, किस वीक के अंदर जून के मंथ के किस वीक के अंदर यहाँ पे मेनेट आने वाली, एग्जैक्ट डेट नहीं है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगले मंथ की जून के अंदर मेनेट यहाँ पे 100% आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्टिंग को लेकर अगर हम बात करें तो लिस्टिंग का अभी तक कोई कंफर्म भी न्यूज अभी तक भी नहीं बताया। हो सकता है मेनेट के करीब ही हमारी लिस्टिंग की अपडेट दे दें, या हो सकता है मेनेट के बाद लिस्टिंग कर दें। तो यहाँ पे मेनेट के बाद ही सारा कुछ जो हमारा विड्रॉल है वो भी मेनेट के बाद ही स्टार्ट होना है। जब मेनेट इसका लॉन्च हो जाएगा तो सिंपल है, हमें उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि इसका विड्रॉ बिल्कुल आ चुका है। तो सिंपल, उसके बाद जो भी हमें लिस्टिंग की न्यूज मिलेगी, जैसे जैसे जो भी स्टेप बोला जाएगा वो हमें करना है। और अभी तक एक दो और भी क्वेश्चन आ रहे थे लोगों के कि क्या हमें ओवर वॉलेट के ऊपर जो डेली बेस पे 10 टोकन मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमें डेली बेस पे जो 10 टोकन हमें मिलते हैं ना, हम डेली बेस पे ग्रांट को क्लेम करते हैं, क्या वो क्लेम करना हमारे लिए लाजमी है? अगर हम क्लेम कर ना करें तो क्या हमें विड्रॉ नहीं मिलेगा? तो इसका चीज भी मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूं कि यहाँ पे आप लोग को लाजमी है, आप लोग डेली बेस पे क्लेम करो। अगर आप लोग एक से दो दिन छोड़ देते हो कोई इशू नहीं, अगर हाँ डेली बेस पे क्लेम नहीं करते हो, ठीक है, आप इसको एक एक वीक भी क्लेम नहीं करते हो, तो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत बड़ा इशू बन सकता है जब आप अपना टोकन विड्रॉ करोगे, ठीक है। विड्रॉ के टाइम जहाँ पे जिस तरह प्रोजेक्ट के अंदर केवाईसी वगैरह रखते हैं, तो उस टाइम हो सकता है आपकी कोई वेरिफिकेशन रख देंगे कि किस बंदे ने डेली बेस पे कितना जो है यहाँ पे टोकन क्लेम किया है, कितना यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। तो वहां पे कुछ ना कुछ रेशियो के थ्रू यहाँ पे हो सकता है विड्रॉ करें। तो उस टाइम के लिए आप लोग को ये मतलब रेडी होकर रहना पड़ेगा डेली बेस पे। आपको ये तो अपने ओवर वॉलेट के अंदर ये 10 टोकन आपको ग्रांट लाजमी से क्लेम करनी है। और गाइस, यहाँ पे मैंने ओकक्स का भी आपको बताया हुआ है कि एक मेरे चैनल के ऊपर अभी भी वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी, कि ओकक्स के अंदर जाकर भी आपको 10 ओवर टोकन डेली बेस पे क्लेम करने, अगर आप लोग नहीं कर रहे हो वहां पे क्लेम करके आपने अपने जो है यहाँ से कुछ टोकन को आप लोग वहां पे सेंड करते रहो ओकक्स के अंदर, और ओकक्स से जो ओवर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करते रहो। अब इस ट्रांसफर से होगा क्या? होगा ये होता है कि इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी और ब्लॉकचेन उतनी तगड़ी रहेगी, क्योंकि ओवर वॉलेट की ब्लॉकचेन के ऊपर ज्यादा ज्यादा हम टोकन सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, तो इससे क्या होगा, ब्लॉकचेन तगड़ी होगी और प्राइस अच्छा निकलेगा, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट को इससे बहुत बड़ा फायदा है, जो कि कम्युनिटी से हर प्रोजेक्ट चाहता है कि कम्युनिटी उसकी सपोर्ट करे और वो कम्युनिटी को अच्छा से अच्छा एयर ड्रॉप प्रोवाइड करे। अब यहां पे एक और भी अपडेट लेकर आइए, जो लोग डेली बेस पे क्लेम नहीं करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी यहां पे आप सैड न्यूज भी है, जो कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं करते हो तो यहां पे आप लोग के पास काफी सारा लॉस हो सकता है। तो सिंपल है, यहां पे देख सकते हो, एक मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कल के दिन अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, यहां पे ओवर जो मतलब कॉइन या पॉइंट बंद निर्धारण करके रखे थे उसके यहां पे जो है लॉक्ड हो चुके हैं। अब लॉक किस वजह से हुआ वो भी यहां पे लिखा है, विल बी लॉक्ड ड्यू टू इनएक्टिविटी। तो अगर आप लोग ओवर वॉलेट के ऊपर एक्टिव नहीं हो, डेली बेस पे क्लेम नहीं करते हो, तो आपके जितने भी कॉइन या पॉइंट आपने अर्न करके रखे हैं वो आपके लॉक हो जाएंगे, ठीक है। बाकी यहां पे जितना भी हमने अर्निंग करके रखा है सारा हमारा पॉइंट्स के अंदर, अभी जाके आगे रेशियो हमें रिवील करेंगे कि किस रेशियो के थ्रू आपने ओवर पॉइंट जो भी अर्न करके रखे हैं कितने टोकन के अंदर कन्वर्ट होंगे, वो अभी तक रेशियो अनाउंस नहीं हुई, बहुत जल्द हो सकती है। अब यहां पे मैंने जो अपडेट दिया था, यही अपडेट जो भी मैंने वीडियो के अंदर बताया, ये कल के दिन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी कर दिया था। तो सिंपल है, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करके रखा तो आपने मिस कर दिया होगा, तो लाजमी है टेलीग्राम चैनल को जो है लाजमी से ज्वाइन कर लो। अब यहां पे मैंने लिखा क्या है, देखिए, मैंने जो है जून 2024 के अंदर आने वाला इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, ओवर नेटवर्क टोकन लॉक्ड अगर 4 वीक से ज्यादा इनएक्टिव हो तो मतलब अगर
चार वीक से ज्यादा आप इनएक्टिव रहे तो सो डेली टोकन क्लेम करते रहिए, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंपल है, डेली क्लेम करते रहिए, ठीक है। लाजमी अभी उन्होंने नहीं बोला, बट ये है कि आप लोग अपने विड्रो के लिए कर सकते हो, जस्ट एक ही तो क्लिक करना है, ओवर वॉलेट के अंदर जाकर डेली बेस पे क्लिक करते रहो। अब ये जो आपके टोकन, अगर आप में से किसी बंदे ने मतलब चार से दो से वीक मतलब इनएक्टिव रहा या क्लेम नहीं करता रहा, वो चेक कैसे करेगा कि उसके टोकन लॉक्ड हुए या नहीं हुए? तो सिंपल है, आपने अपने ओवर वॉलेट के अंदर चले जाना, ठीक है। ओवर वॉलेट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप लोग का सारा इंटरफेस शो हो जाता है। नीचे की साइड पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है स्टेकिंग का, तीसरा हिस्ट्री का और सेटिंग का। आप लोगों ने करना क्या है, सेटिंग वाले बटन के अंदर चले जाना है। सेटिंग वाले बटन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेज लॉक्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो मैनेज लॉक वाला ये जो बटन है, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक कर दे तो यहाँ पे आप लोग के सामने अवेलेबल और लॉक्ड दोनों शो हो जाते हैं। आपके अगर कुछ टोकन या पॉइंट्स लॉक्ड हुए तो वो भी आप लोग को इधर शो हो जाते हैं। तो अभी मेरा कोई लॉक नहीं है क्योंकि मैं डेली बेस पे इसके ऊपर क्लेम वगैरह करता रहता हूँ, और ओकक्स के अंदर भी डेली बेस पे क्लेम करता हूँ, और ओकक्स से जो भी मतलब 10 ओवर टोकन में क्लेम करता हूँ उनको अपने ओवर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर भी करता रहता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने मेरे जो ओवर टोकन है वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल, ये टास्क आपको लाजमी से कंप्लीट करना है, और जितना भी आपके पास ओवर टोकन है आप इसको स्टेकिंग के अंदर लगा के रखो। सिंपल, आपका ये दूसरा ऑप्शन शो हो जाता है स्टेकिंग वाला, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो जितने भी आपके पास टोकन है यहाँ पे आप पहले टॉपअप के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। टॉपअप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके अवेलेबल के अंदर शो हो जाएंगे कि कितने टोकन आपके अवेलेबल के अंदर है। जितना भी टोकन है आप उसको यहाँ पे सिंपल क्या करो, यहाँ पे अमाउंट लिखो, ठीक है, 9896, उनको यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल के अंदर इतना ही है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। हम लोग जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो हमारा जो टोटल टोकन है वो यहाँ पे स्टेकिंग के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको सेंड रिसीव करके ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर सकते हो। मैं डेली बेस पे क्योंकि 10 करता हूँ इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, मैं अपने टोटल टोकन जो स्टेकिंग के अंदर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे जो टोकन आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहे हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत मतलब वेट करके स्टेकिंग के अंदर चला जाएगा। इस स्टेकिंग लगाने का फायदा क्या है कि आप लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग मिलेगा, ठीक है, सिंपल रिवार्ड के तौर पे। तो सिंपल है, स्टेकिंग करते रहो, और गाइस जो स्टेकिंग के अंदर आप यहाँ पे लगाते हो तो स्टेकिंग से जो भी आपको रिवार्ड मिलता है उसको क्लेम कैसे करना है, तो सिंपल है, यहाँ पे आपका अपकमिंग रिवार्ड शो हो रहा था, इसके सामने क्लेम का बटन होता है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग ये जो डेली रिवार्ड होता है इसको भी क्लेम करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड टू क्लेम कंफर्म करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो भी ओवर टोकन है यहाँ पे क्लेम हो जाएगा। तो सिंपल है, ये सारी चीज आप करते रहो। बाकी विड्रॉल को लेकर बहुत जल्द काफी सारे अपडेट्स आने वाले हैं, लिस्टिंग को लेकर एंड सारी चीजें, और जो भी न्यू अपडेट आएगा उसके ऊपर 100% मैं आपको न्यूज या अपडेट प्रोवाइड टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी बता दूंगा, और अपने यूट्यूब के थ्रू वीडियो के थ्रू भी बता दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का इसलिए बोलता हूं क्योंकि वहां पर जो मतलब छोटी छोटी अपडेट होती है जिनके ऊपर बंदा वीडियो नहीं बना सकता, आप देखो ये अपडेट मैंने कल के दिन ही अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दी थी। अब छोटी अपडेट थी तो अभी सोचा, काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि टोकन डेली बेस पे क्लेम करने चाहिए नहीं करने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देता हूं ताकि आप लोगों में से सबका डाउट क्लियर हो जाए। तो सिंपल आज वीडियो के अंदर इतना था, बाकी यहां पे इस टोकन की काफी लोग बाद में पूछते रहते हैं प्राइस क्या होगा, ये हो यार प्राइस हमेशा लिस्टिंग के टाइम पता चलते हैं, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि हमें कितने टोकन यहाँ पे मिलने हैं। तो जैसे रेशियो इनकी निकलती है कि कितने पॉइंट्स आपके कितने टोकन के अंदर कन्वर्ट होंगे, फिर जाके हमें पता चलेगा कि क्या इनकी प्राइस निकलती है। तो अभी जस्ट ये टास्क वगैरह कंप्लीट करते रहो, डेली ग्रांट कंप्लीट करते रहो, और ओकक्स के अंदर जाकर भी डेली बेस पे 10 ओवर क्लेम करते रहो। बाकी फ्यूचर के अंदर जो भी अपडेट्स आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल को लाजमी से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।